दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज आपको माया नगरी मुंबई के ऐसे इलाके में घुमाने लेकर जाएंगे जिसको दुनिया कमाठीपुरा के नाम से जानती है। सबसे पहले आपको रेकमेंड करना चाहेंगे आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां आप असहज महसूस ना करें, और हो सके तो हेडफोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपके आसपास लोग आपकी तरफ देखने लगें। इससे पहले हमने जीबी रोड और कोलकाता के सोनागाछी की गलियों से आपको रूबरू करवाया है जहां बड़े स्तर पर जिस्म बेचे जाते हैं। कमाठीपुरा भी कई सौ सालों पुराना इलाका है जहां 1992 में 50,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स काम किया करती थी जो 2009 तक 1600 और 2018 में 500 तक सिमट कर रह गई। आपने गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी तो देखी ही होगी। वो मूवी इसी इलाके में रह रही एक सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट पर बनाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें कमाठीपुरा भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है जो 1795 में अस्तित्व में आया था जब मुंबई के 7 द्वीपों को मेनलैंड से जोड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। यहां बहुत ज्यादा मात्रा में देश के दूसरे हिस्सों से आए कंस्ट्रक्शन वर्कर रहा करते थे। उस समय इसे लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। काम बंद होने के कारण यहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने सेक्स वर्कर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। आज के समय यहाँ 300 से 500 रुपए में जिस्मों फरोशी का धंधा चलता है। यहाँ के इलाकों में आपको पतली पतली गलियाँ नजर आएंगी जिसमें सड़क पर इनवाइट करती औरतें और पुलिस की गाड़ियाँ भी नजर आती हैं जो किसी भी तरह के डिस्ट्रप्शन को कंट्रोल करने के लिए तैनात की जाती हैं। हमने पहले भी बताया था कि रेड लाइट एरिया के इलाके में नॉर्मल इलाकों के मुकाबले ज्यादा क्राइम रेट होता है। यहाँ इसी क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे पुलिस की गाड़ियां तैनात रहती हैं। लेकिन इसी पुलिस की मौजूदगी में आपको रंग बिरंगे अट्रैक्टिव कपड़ों में मेकअप किए आपको महिलाएं नजर आएंगी जो हर समय कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां खड़ी रहती हैं। कुछ चीजें आप कमाठीज के बारे में नहीं जानते होंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। मुंबई की कुछ फेमस बिल्डिंग्स जैसे बीएमसी बिल्डिंग, मुंबई का सीएमएसटी रेलवे स्टेशन और राजाबाई क्लॉक टावर इन्हीं कमाठी वर्कर्स के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन इनको कंस्ट्रक्शन में काम मिलना बंद हुआ तब से ही इन्होंने इस धंधे में कदम रखने शुरू कर दिए। 1990 के दशक में पुलिस ने काफी रेड करना शुरू कर दिया ताकि यहाँ होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने और लोकेलिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। उस समय तक ये धंधा भारत में इलीगल भी हुआ करता था, तब इस जगह को लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में एक गली को सेफ माना जाता है जिसे कसेट जी शुक्ला जी रोड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर यूरोपियन महिलाएं काम करती हैं जो ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में या फिर लोकल्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाकी का इलाका बड़ा ही कंजस्टेड और गंदगी से भरा है जहां लड़कियां खड़ी होकर कस्टमर्स का इंतजार करती हैं। अब सैकड़ों साल पुराने इस इलाके को रीडेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।